हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एन के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट का आपसे टॉप ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा जो कि आपके आगे आने वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर डज नॉट इंक्रीज़ विथ राइज इन टेम्परेचर यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है एयर की जो कि अगर आप टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपकी इंक्रीज या चेंज नहीं होगी ठीक है तो देखिए अगर आप एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी थर्मल डिफ्यूजिविटी ये भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि दोनों में थर्मल मतलब दोनों में टेम्परेचर का रोल है और डायनेमिक विस्कोसिटी भी आपका इंक्रीज़ होगी पर आपका डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी को आप किसे डिनोट करते हैं तो रो से डेंसिटी को डिनोट करते हैं और डेंसिटी आपका टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं है तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है कि स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ इज अपलीकेबल फॉर हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन या कंडक्शन एंड रेडिएशन कम्बाइन तो देखिए जो स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ जो है वो आपका किसके लिए अपलीकेबल है तो वो जब कभी भी आपका हीट ट्रांसफर किससे डिनोट करे बाई रेडिएशन से तो जब कभी भी आपका हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन में डिनोट हो तो मतलब वहाँ पर आपका स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ लग रहा है या आपका स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ के लिए जो आपका डेरीवेशन के लिए ये दिया है ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री है कि द थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर अ सॉलिड्स आर जनरली लेस देन गैस लेस देन लिक्विड या लॉन्ग मोर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस या मोर और लेस सेम एज फॉर लिक्विड एंड गैसेस यहाँ तो क्या है तो ये मोर है ठीक है तो जो आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है आपका किसी भी सॉलिड का वो आपका मोर देन लिक्विड एंड गैसेस से होता है तो सी इज अ करेक्ट आंसर ये आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी को दिखाने के लिए ये इसका डायग्राम है अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल सही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ये भी सही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट ये भी सही है तो ऑल ऑफ द व इज अ करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है देखिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे टी है यहाँ पे पी है तो टेम्परेचर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के अगर यहाँ पे जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं तो ये भी आपका ऐसे ही रहता है पर यहाँ पे आपका इनवर्सली मतलब क्या हो जाता है हाफ हो जाता है तो यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर था तो ये हाफ अगर आपका प्रेशर हो गया तो इसको आप कैसे देखेंगे तो इसको आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखेंगे अगले क्वेश्चन में चलते हम क्वेश्चन नंबर फाइव है काफी ज्यादा सिंपल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट थर्मल इक्विप्रियम यानी कि किसी भी थर्मल इक्विप्रियम में एब्बॉर्बिटिविटी इज ग्रेटर दैन इमिविटी एब्जॉर्बिटिविटी इज लेस दैन इविजिबिलिटी एब्जॉर्बिटिविटी इज इक्वल टू इमेसिविटी या सम ऑफ एब्जॉर्बिविटी एंड इमेसिविटी इज यूनिटी यूनिटी मतलब एक तो देखिए किसी भी थर्मल इक्विबरियम में क्या होता है तो वहां पर आपका एब्जॉर्बिविटी और जो इमिसिविटी है वो दोनों इक्वल हो जाता है यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं देखिए अभी आपका थर्मल इक्विब्रियम के बारे में बात कर रहा था तो देखिए थर्मल इक्विब्रियम में क्या होता है जैसे आपके पास में ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है हंड्रेड दूसरी बॉडी आपका क्या है वो वो उसका टेम्परेचर आपका है दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है जीरो तो जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में आएंगी तो क्या होगा तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर जो आपका वो इक्वल हो जाएगा यानी कि फिफ्टी फिफ्टी हो जाएगा तो इससे क्या होगा ये थर्मल इक्विब्रियम होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि द इमेसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर वेवलेंथ या फिजिकल नेचर या ऑल ऑफ द व तो देखिए किसी भी इमेसिव पावर जो है आपका बॉडी का वो किस पर डिपेंड करता है तो वो आपका इन तीनों ही चीजों पे डिपेंड करता है तो डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं कि प्लैंक्स प्लैंगला होल्ड गुड फॉर यानी कि जो प्लैंक्स ला होता है देखिए एक होता है आपका प्लैंक्स ला एक होता है आपका वीन्सला ठीक है विंसला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये आता है कि वींसला जो है वो किसके लिए है तो विन्सला फॉर मैक्सिमम एम पावर यानी कि मैक्सिमम एमीसी पावर की जब कभी भी बात करें तो वहाँ पर आपका विंसला लगता है अभी मैं बात करता हूँ प्लैंक्स ला की तो प्लैंक्स ला जो है आपका किसके लिए गुड है किसके लिए ब्लैक बॉडी के लिए पॉलिश बॉडी के लिए ऑल कलर बॉडी के लिए या ऑल ऑफ द बॉ तो प्लैक्ला जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए है तो ए इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट है कि द हीट इज एब्ज़ॉर्ब बाई यानी कि जो हीट है वो कहाँ पे एबजॉर्ब होता है कंडेंसर में इवोपरेटर में कंप्रेसर में या थर्मोस्टेट में तो हीट इज एब्जॉर्ब बाई हीट जो आपका एब्जॉर्ब होता है वो आपका एवोप्रेटर में होता है ये आपका एवोपरेटर है और हीट जो आपका जो क्या होता है हीट एक रिजेक्ट होता है ठीक है तो हीट आपका जो रिजेक्शन होता है हीट का वो कहाँ पे होता है तो वो आपका कंडेंसर में होता है तो आपको ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर नाइन है कि स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ देखिए स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ किसके लिए है तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये है आपका रेडिएशन के लिए ठीक है ये किसके लिए तो रेडिएशन के लिए तो, तो स्टीफन बोल्ड्समन लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का स्क्वायर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब या ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का फोर तो जो आपका स्टीफन बोल्समन लॉ है ये आपका टेम्परेचर का फोर होता है तो डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन में चलते हैं कि द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट इज़ इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी व्हाइट बॉडी ओपैक बॉडी या ट्रांसपेरेंट बॉडी तो देखिए ऐसा बॉडी जो कि आपके पूरी की पूरी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले अगर वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है मतलब क्या है वो तो वो है आपका ब्लैक बॉडी और जब कभी भी वो जो एब्जॉर्व करने की जगह अगर वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ठीक है क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या है तो वो है आपका वाइट बॉडी अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एवन है कि इफ़ द बॉडी इज एट थर्मल इक्विब्रियम यानी कि अगर कोई बॉडी आपका थर्मल इक्विब्रियम में है तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ इमेसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्टिविटी तो वो एक फॉर्म था जिस तरह से क्वेश्चन देता है और ये क्वेश्चन देने का दूसरा फॉर्म है यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन को देता है कि इमेसिविटी इज मोर देन ग्रब्जॉर्टिविटी या इमेसिविटी लेस देन एब्जॉर्टिविटी तो आपका जो होता है वो इक्वल होता है ठीक है तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन को अटेंड करना आना चाहिए कोशोल है कि इन रेडिएटिव हीट ट्रांसफर ए ग्रे सरफेस इज वन विच अपियर ग्रे टू द आई वॉज इमेसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ विच हैज रिफ्लेक्टिविटी इक्वल टू जीरो या विच अपियर्स इक्वल ब्राइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन तो देखिए किसी भी रेडिएटिंग हीट ट्रांसफर में जो आपका ग्रे सर्फेस होता है तो ग्रे सर्फेस वो सर्फेस होता है जिसकी जो इमेसिविटी होती है वो आपकी वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होती है तो बी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी है कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर जो होता है देखिए बेसिकली हीट हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या जरूरी है तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है यानी कि हाइयर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होगा तभी आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है तो हीट ट्रांसफर के लिए किससे जरूरी है फर्स्ट लॉ की सेकंड लॉ की थर्ड लॉ की या जीरो लॉ की तो हीट ट्रांसफर आपका होता है किससे तो वो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से होता है बेसिकली आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से तो बी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में चलते हैं कि हीट इज मेनली ट्रांसफर बाई कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन इंसुलेटेड पाइप कैरिंग हॉट वाटर रेफ्रिजरेटर फ्रीजिंग क्वाल बॉइलिंग सर्फेस या बॉयलर सर्फेस या कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन अ कंडेंसर तो देखिए हीट जो है आपका किस में बोल रहा है तीनों मोड में तीनों मोड मतलब पहला मोड कंडक्शन दूसरा मोड कन्वेक्शन और तीसरा मोड रेडिएशन तो ये जो तीनों मोड होता है वो तीनों मोड में किस में होता है तो वो आपका बॉयलर के फर्नेस में होता है तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर ये बॉयलर के सब फर्नेस का आउटर एरिया है अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन टू दैट बाय कंडक्शन इज कॉल्ड नंबर नंबर बायोट नंबर या प्रेकलेट नंबर तो देखिए इसमें रेशियो बोल रहा है ठीक है रेशियो क्या है तो रेशियो ऊपर में क्या है रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन टू दैट ऑफ कंडक्शन तो दैट इज कॉल्ड बायोट नंबर तो सी इज अ करेक्ट आंसर ये चारों नंबर काफी इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी हीट ट्रांसफर के लिए एक और स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ इन नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए आपको जरूर वो वीडियो देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है कि वाट हैपन्स वन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑन अ पाइप एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास में यह पाइप है और इसकी जो थिकनेस है अगर आपकी उस थिकनेस को बढ़ा कर दें या उस थिकनेस को ज़्यादा कर दें तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू में क्या होगा हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज़ हो जाएगा हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज़ हो जाएगा हीट ट्रांसफर रेट जो है वो आपका रिमेंस कॉन्स्टेंट रहेगा या नन ऑफ दिस तो जब कभी भी आप थिकनेस को बढ़ा देंगे तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो क्या होगा तो वो कम हो जाएगा क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होगी तो क्या होगा थिकनेस जैसे जैसे ज़्यादा होगी वैसे वैसे जो है आपका हीट जो है इस एरिया से दूसरे एरिया में जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो हीट ट्रांसफर रेट जो है वो आपका कम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि इन हीट एक्सचेंजर द वैल्यू ऑफ लोगर एथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल जीरो या कांस्टेंट तो किसी भी हीट एक्सचेंजर में आपका वैल्यू ऑफ लोगर एथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्या होता है तो इट शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर यहाँ पे आप हीट एक्सचेंजर को देख रहे हैं ठीक है ये पहला जो आपका हीट एक्सचेंजर ये कौन सा है तो ये आपका यूट्यूब आपका यू ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है और दूसरा जो है आपका ये स्ट्रेट ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है ये दोनों हीट एक्सचेंजर के ही अलग अलग पार्ट्स हैं बेसिकली जो आपका स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है उसमें ट्यूब जो रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और यूट्यूब में क्या रहता है तो ऐसा रहता है फिर यहाँ पर इसका यू शेप में आ जाता है इसलिए इसको यूट्यूब हीट एक्सचेंजर बोलते हैं ठीक है तो आई होप कि आप दोनों में डिफरेंस भी समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है जूल पर के जी कैलविन जूल पर मोल कैलविन जूल ओम पर सेकेंड कैलिविन स्क्वायर या डब्लू पर मीटर कैलविन तो आपका यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो आपका होता है डब्लू पर मीटर कैलविन तो डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में चलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू द अनदर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल यानी कि अगर आपका जो मोशन जो पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है ठीक है क्या बोल रहा है प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट एक्चुअल मोशन एक होता है जिसमें आपका मोशन करता है एक होता है आपका जिसमें मोशन नहीं करता है और एक होता है जिसमें आपका मीडियम अफेक्ट नहीं करता है तो आपको कौन सा है रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन या नॉन ऑफ दिस तो राइट right आंसर आप मुझे नीचे इसका कमेंट करके बताएंगे ठीक है इस क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का राइट right आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट right आंसर आपको क्या पता है यहाँ पे जो दिया है सन का जो रेडिएशन आपको यहाँ पे आता है वो किसकी वजह से आता है तो वो आपका रेडिएशन की वजह से आता है रेडिएशन में आपका सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है और सिंक का टेम्परेचर हाई होता है बीच में जो टेम्परेचर रहता है वो आपका हाई नहीं होता है कुछ भी नहीं होता टेम्परेचर चेंज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज बेस्ड ऑन द एजम्पन दैट हीट फ्लो थ्रू अ सॉलिड इज वन डायमेंशनल हीट फ्लो इज इन स्टडी स्टेट या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस तो सी इज अ करेक्ट आंसर यानी कि बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको मैकेनिकल के साथ में जनरल नॉलेज के भी नए नए अपडेटेड आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके पी मिलते रहेंगे तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में